ये रहा मुख्य गेट चंदखुरी के मंदिर का। तो देख सकते हो भाई, ये है भगवान श्री राम की वो फेमस प्रतिमा। यहाँ पे देख सकते हो भोलेनाथ और नंदी महाराज की एक विशाल प्रतिमा भी लगाई गई है। तो देख सकते हो यहाँ पे मंदिर में जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है। यहाँ पे आप लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और कौशल्या माता के दर्शन होते हैं। तो मुख्य मंदिर जो आप लोगों को व्हाइट वाली दिख रही है, ये मंदिर काफी ज्यादा पुराना है यार। यहाँ पे शिवलिंग है, जय भोलेनाथ। मेरे ख्याल से राजा भानुमन जी है। ये जो मंदिर है दोस्तों, वो पूरे तालाब के बीच में स्थित है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये दोनों तरफ आप लोगों को जो है वो तालाब देखने को मिलेगा, जहाँ से आप लोगों को आगे देख सकते हो यहाँ पे मंदिर देखने को मिल रही है। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस नए वीडियो पर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ भगवान श्री राम का ननिहाल। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग हैं चंदखुरी में, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस जगह को दोस्तों भगवान श्री राम का ननिहाल माना जाता है, क्योंकि ये वही जगह है दोस्तों जहाँ भगवान श्री राम की माता जी कौशल्या माता का जन्म हुआ था। तो देख सकते हो यार, ये वाला जगह आप लोगों को इस वीडियो में पूरा घुमाने वाला हूँ। और ये दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के गौरवशाली प्रोजेक्ट श्री राम वनगमन पथ का जो है वो चिन्हित स्थल भी है। इस वजह से इस जगह को काफ़ी डेवलप किया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो स्थल है वो छत्तीसगढ़ में मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में फेमस हो चुका है। तो देख सकते हो यार, इस वाले वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इस जगह से जुड़ी इतिहास की बातें और जो वर्तमान में क्या किया जा रहा है वो सारी चीज़ें बतलाने वाला हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को दोस्तों इस मंदिर का जो है पूरा महत्व अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और अंदर चल के आप आगे की बात करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, ये रहा मुख्य गेट चंदखुरी के मंदिर का। और देख सकते हो यहाँ पे आसपास कुछ ऐसा लगता है, यहाँ पे प्रसाद वगैरह की दुकान आप लोगों को देखने को तो मिल ही जाएगा, देख सकते हो आप। तो चलिए फिर लेके चलता हूँ अंदर आप लोगों को। और आप लोगों को पहले भी पता है दोस्तों कि ये राम वनगमन पथ का जो है वो चिन्हित स्थल भी है। तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को राम वनगमन पर्यटन परिपथ का आप लोगों को बोर्ड देखने को मिल जाएगा। और ये देख सकते हो पूरा दुकान वगैरह के लिए ऐसे काउंटर वगैरह बना रहे हैं, पोर्टेबल है, ये एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। बाकी पहले से काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेवलप किया जा चुका है, क्योंकि राम वनगमन पथ का ही ये चिन्हित स्थल है, तो उसके हिसाब से इसको उसी तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। अब आप लोगों को दिखलाता हूँ वो भगवान श्री राम की मूर्ति, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है यार, जहाँ आप लोगों को यहाँ देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हो यार आप, काफ़ी भव्य है भाई, काफ़ी बड़ा है। वीडियो में तो काफ़ी छोटा लग रहा होगा, बट है काफ़ी बड़ा, देख सकते हो आप यहाँ से। जय श्री राम। और ये आप देख सकते हो, इस वाले मेन गेट से अंदर आने के बाद इधर आप लोगों को डायरेक्ट मंदिर में जाने का ये है गेट। तो चलते हैं अंदर। काफ़ी ज़्यादा भव्य हो चुका है यार ये जगह पहले से, पहले मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे जो काम वगैरह नहीं किया गया था। और यहाँ स्पीकर वगैरह चल रहे, हो सकता है मेरा आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा सुनाई ना दे दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों एक मंदिर की खास बात बतलाता हूँ कि ये जो मंदिर है दोस्तों वो पूरे तालाब के बीच में स्थित है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये पूरा आप लोगों को जलसेन तालाब देखने को मिलेगा। चंदखुरी में दोस्तों काफ़ी सारे तालाब है, उन्हीं में से एक है ये जलसेन तालाब। ये देख सकते हो दोस्तों, ये दोनों तरफ आप लोगों को जो है वो तालाब देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हो बीच से एक हनुमान पुल बना हुआ है, जहाँ से आप लोगों को आगे देख सकते हो यहाँ पे मंदिर देखने को मिल रही है। पहले दोस्तों यहाँ पे एक हनुमान जी की प्रतिमा भी रखी गई थी, मैंने देखी थी किसी की वीडियो में, बट वो तो अभी दिख नहीं रही है। बाकी देख सकते हो यार, ये जो है वो हनुमान पुल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छा पुल बनाया गया है, डिज़ाइन देख सकते हो, हाथ का डिज़ाइन बनाया गया है। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं आगे हम लोगों को और क्या देखने को मिलता है। बाकी जो तालाब है वहाँ बीच बीच में जो है मूर्ति वगैरह भी बनाई गई है, और शायद इस तालाब में बोटिंग वगैरह भी होता है, बट अभी तो वो बंद है। अगर होता होगा तो मैं आप लोगों से यहाँ से जानकारी लेके बतलाता हूँ। देख सकते हो काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, आज संडे है तो दर्शन करने के लिए। पूरा मस्त गार्डन टाइप से यहाँ पे बनाया दिया गया है यार। मेन मंदिर ही आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है वो दीप स्तंभ है, देख सकते हो। जब आप लोगों ने अगर मेरी वो मध्य प्रदेश वाली वीडियो देखी होगी, तो हर सिद्धि माता मंदिर में ऐसे ही काफ़ी बड़ा बड़ा दीप स्तंभ बनाए गए हैं, जहाँ लोग चढ़ के वहाँ पे दीपक का जो है वो प्रज्वलित करते हैं। ये देख सकते हो भाई, ये वाली मूर्तियों की बात मैं कर रहा था, आप लोगों को बतला रहा था ना कि तालाब के बीच में भी मूर्ति वगैरह जो बनाए गए हैं करके। चलिए यहाँ पे हाथ पैर वगैरह धोते हैं।
तो तालाब में मस्त हाथ पैर धो लिए, अब मुख्य मंदिर की ओर चलते हैं भाई। देख सकते हो आप लोगों को यहाँ भी पैर धोने के लिए बनाया गया, मतलब तालाब में सब तरफ बीच बीच में ऐसे बना दिया गया है ताकि आप यहाँ से हाथ पैर धो के सीधे इधर मंदिर में आगे प्रवेश कर सकें। और ये बहुत अच्छा बन गया यार, काफ़ी भव्य लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो भोलेनाथ और नंदी महाराज की एक विशाल प्रतिमा भी लगाई गई है, देख सकते हो आप। और अभी भी दोस्तों देख सकते हो जो मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो चल ही रहा है, क्योंकि मंदिर जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो उसके अगल बगल में भी देख सकते हो नया जो है वो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों मंदिर में जो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है इस वजह से मंदिर के हम लोगों को बहुत ज़्यादा अंदर गर्भगृह के करीब जाके दर्शन करने तो नहीं दिया जा रहा है, बट बाहर में थोड़े दूर से हम लोग दर्शन कर सकते हैं भाई। तो चलिए आप लोगों को मैं वहीं से जो है वो कौशल्या माता और भगवान श्री राम के दर्शन करवाता हूँ। तो देख सकते हो भाई ये रहा मंदिर, और पहले दोस्तों ये जो छोटा सा मंदिर आप लोगों को दिख रहा है आगे ये केवल वही था, और इधर दीप वगैरह लगाए हुए हैं। देख सकते हो यहाँ पे मंदिर में जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है, इस वजह से हम लोगों को इससे आगे जाके दर्शन करने नहीं दिया जा रहा दोस्तों। बाकी आप लोगों को ये वाला जो गेट दिख रहा है इसके अंदर में दोस्तों जो मुख्य प्रतिमा है वो विराजमान है, आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखला देता हूँ, अगर इसमें भी नहीं दिख रहेगा तो आप लोगों को फोटो लगा दूंगा, बट आप लोग यहाँ से दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और कौशल्या माता के दर्शन होते हैं। कौशल्या माता जी है दोस्तों वो भगवान श्री राम को अपने गोद में बिठाए हुए हैं, देख सकते हो आप लोग। जब ये मंदिर पूरा बन जाएगा यार तो काफ़ी ज़्यादा भव्य लगेगा। और ये देख सकते हो ये वाला जो प्रतिमा है दोस्तों हम लोगों को अंदर जो है वो यहाँ से देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है, जो तालाब का नाम है वो जलसेन है और जो प्रतिमा के बारे में लिखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छे से यार यहाँ पे हम लोगों को दर्शन हो गया, कैमरे में उतने अच्छे से नहीं दिख रहा था यार, बट जब हम लोग खुले आँखों से यहाँ से दर्शन करें तो यहाँ से ही दोस्तों हम लोगों को अंदर का जो है वो बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो जा रहे हैं। तो देख सकते हो भाई कुछ ऐसा है प्रांगण कौशल्या माता मंदिर का। और ये वाला जो मंदिर आप लोगों को मुख्य जो मंदिर है दोस्तों, चलिए आप लोगों को थोड़ा सा और पास ले जाके दिखलाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं भाई ये जो मुख्य मंदिर जो आप लोगों को व्हाइट वाली दिख रही है ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा पुराना है यार। अगर आप लोगों को दोस्तों ये कौशल्या माता मंदिर इसके इतिहास की बात करूँ तो ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। सोमवंशी राजाओं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ऐसा हम लोगों को इतिहास यहाँ पे का मालूम होता है। और अगर इससे भी पुराना आप लोगों को रामायणकालीन इतिहास की बात की जाए दोस्तों तो कौशल्या माता के पिताजी राजा भानुमन जो है वो दक्षिण कौशल के राजा थे, जिनकी पुत्री कौशल्या जी का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ था। तो ऐसा जो है दोस्तों भगवान श्री राम और छत्तीसगढ़ का जो है वो रिलेशन बैठता है, तो उस हिसाब से दोस्तों ये जो है वो चंदखुरी जो है वो भगवान श्री राम का ननिहाल हुआ, क्योंकि यहाँ पे कौशल्या माता जी है उनका जो है वो जन्म हुआ था। तो देख सकते हो कुछ ऐसा है प्रांगण चंदखुरी का। और एक बात भी ऐसा पता चलता है कि जब कौशल्या माता का विवाह हुआ दशरथ जी के साथ तो राजा भानुमन जो है वो 1000 गांव दान दे दिए थे, तो जो उन 1000 गांव में जो है दोस्तों ये चंदखुरी गांव है ये भी दान में दिया गया था, तो उस वजह से भी इस जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों मंदिर जो खुलने का समय है वो 6 बजे है, दोपहर में 1 से 3 के बीच में बंद रहता है और रात्रि में 9:30 बजे जो है वो मंदिर बंद हो जाता है, साथ में 7 बजे आरती होती है। तो आप कभी भी यहाँ पे आते हैं मंदिर में तो जो है वो समय का जरूर ध्यान रखें। बाकी ये था मंदिर, देख सकते हो लोहे के जो है वो सीढ़ी बना दी गई है, और ये देख सकते हो भाई काफी बड़ा लग रहा है यार नंदी महाराज, और उनके सामने आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे नीलकंठ भोलेनाथ जी, बहुत ही भव्य लग रहा है भाई। यहाँ पे शिवलिंग है देख सकते हो आप, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय। साथ में नंदी महाराज जी उनका सवारी देख सकते हो भाई, मस्त लग रहा है ना। और इनके ठीक सामने इधर है मंदिर, यहाँ पे ये भी देख सकते हो एक प्राचीन शिवलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए भाई अब चलते हैं नीचे, भोलेनाथ जी के यहाँ पे कर लिए दर्शन अपन। और बारिश हो रहा था यार थोड़ी देर पहले और अभी हल्का हल्का धूप निकला है ना, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है उमस लग रहा है, तो देख सकते हो पूरा पसीना पसीना भी हो गया हूँ मैं। अगर आप लोगों को दोस्तों कौशल्या माता मंदिर के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो यहाँ पे दिखला देता हूँ। ये आप देख सकते हो ये जो है मंदिर का जो ऑफिशियल ओर से यहाँ पे जो मंदिर का जो बारे में पूरा लिखा हुआ है,
और ये जो है दोस्तों वो है मुख्य प्रतिमा, देख सकते हो यहाँ बाएं में जो अपने भगवान श्री राम जी है और ये कौशल्या माता जी है। तो देख सकते हो ये प्रसाद काउंटर है जो कि पैसा में मिलेगा आप लोगों को, छोटा डिब्बा 30 रुपये और बड़ा डिब्बा 70 रुपये। तो चलिए भी एक छोटा डब्बा दीजिए, तो एक छोटा डब्बा देना लड्डू का। तो देख सकते हो भाई ये मैंने यहाँ से जो घर ले जाने के लिए एक छोटी सी लड्डू की जो है वो डिब्बा ले लिया है। और वैसे आप लोगों को यहाँ पे खुले में भी जो प्रसाद है वो दिया जाता है, अगर आप ये खरीदना नहीं चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ जो मंदिर के जो मुख्य प्रसाद है वो भी मिलता है। ये तो मैंने घर ले जाने इस वजह से खरीदा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों श्री राम वनगमन पथ के बारे में। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि ये जो जगह है वो श्री राम वनगमन पथ के लिए चिन्हित हुआ है। तो क्या है राम वनगमन पथ? तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे तो उन्होंने अपने जो काफ़ी वक्त है, लगभग 10 साल का वक्त जो उन्होंने छत्तीसगढ़ और इसके आसपास में गुजारा था, तो उन्हीं जगहों को दोस्तों चिन्हित किया गया है और उन सभी जगहों को एक दूसरे से रोड के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो इन्हीं बेल्ट को बोला जाता है श्री राम वनगमन पथ। तो इसमें दोस्तों लगभग 75 जगह को चिन्हित किया गया है और उन सभी जगहों को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, जिसमें प्रारंभ में 9 जगहों को सबसे पहले चिन्हित किया गया है, जिसमें अगर आप उत्तर में बात करो छत्तीसगढ़ के तो सूरजपुर में सीतामढ़ी हर चौका और दक्षिण में दोस्तों अंतिम स्थल जो है वो रामाराम सुकमा में है। तो इसी बीच में आता है दोस्तों चनखुरी, राजिम, ऐसे काफ़ी सारे 75 जगह है जिन सभी को जोड़ के जो है वो विकास उस जगह का किया जा रहा है और इन सभी को दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में जो है वो विकसित किया जा रहा है। तो उसी का जो फल है आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को जो चनखुरी है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड दिखने को मिल रहा होगा, या फिर जो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क भी हो रहा है, तो ये सब आप लोगों को उसी के कारण देखने को मिल रहा है। देख सकते हो इधर भी, आप देख सकते हो यहाँ पे एक भगवान श्री विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ यहाँ पे प्रतिमा बनाया गया है। तो बढ़िया यार, ये थोड़ा कॉटेज वगैरह है, मंदिर का जो ट्रस्ट का जो है वो भवन वगैरह है। और ये जो मंदिर बीचों बीच है दोस्तों तालाब के, और देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ से तालाब में जाने के लिए मस्त यहाँ पे जो सीढ़ी वगैरह जो है बना दी गई है। इधर भी है एक और जगह था जिधर मैं हाथ पैर बंधवाने के लिए गया था। जो छत्तीसगढ़ सरकार है दोस्तों वो जो है चनखुरी के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसी के तर्ज पर यहाँ पे अप्रैल माह में दोस्तों इस साल 4 दिन का कौशल्या महोत्सव भी मनाया गया था, जिसमें कैलाश के ऐसे काफ़ी सारे जो है वो लोग आए थे और यहाँ पे जो है उन्होंने अपना प्रस्तुति दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है अपने छत्तीसगढ़ के लिए। बाकी देख सकते हो घूम के अपन वापस उसी जगह पर आ गए, ये रहा तालाब, जलसेन तालाब, और उधर आप लोग देख सकते हो काफ़ी जो लाइटनिंग वगैरह बोटिंग वगैरह उसका भी काम चल रहा है, तो धीरे से ये सब स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है फिर से वापस। तो दोस्तों यहाँ आप लोगों को जो है वो कौशल्या माता जी के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पे भोलेनाथ जी के दर्शन किए, और उसके अलावा आगे आप लोगों को और दिखलाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या हम लोगों को देखने को मिलता है। तो देख सकते हो यहाँ पे सुखैन वेदराज जी का यहाँ पे जो है प्रतिमा रखा हुआ है, ये कौन थे आप लोग सभी जानते तो होंगे, कमेंट करके बताइए मेरे को कौन थे सुखैन वेदराज जी, इनका जो संबंध है वो रामायण से है। और देख सकते हो आप ये दरबार वगैरह लगा हुआ है, और वो मेरे ख्याल से राजा भानुमन जी है जिनके यहाँ पे जो है वो दरबार का जो है वो चित्रण किया गया है, देख सकते हो आप पूरा। और इधर पूरा फिर से भाई तालाब वगैरह जो है एरिया आ जाता है। चलिए फिर चलते हैं आगे और बाहर की ओर, जो भगवान श्री राम का यहाँ पे जो प्रतिमा लगे हैं वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे एक दो फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, उसके बाद दोस्तों जो अपने ये वीडियो है उसको एंड कर देंगे। छोटा जगह नहीं है यार, अगर आप पूरे फैमिली के साथ आओगे ना तो पूरा घूमते ही आप लोगों को लगभग 1 घंटे से 45 मिनट के करीब लगेगा, जो कि काफ़ी अच्छा जगह है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों जो जलसेन तालाब हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी जो है वो मछलियाँ भी देखने को मिलेगी। जो यहाँ पे आते हैं देखने के लिए श्रद्धालु, वो लोग जो ऐसे देख सकते हो उनको कुछ खाने के लिए देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ऊपर आ जाता है। और उधर एक कछुआ भी है भाई, ये नीचे शायद वीडियो में नहीं नज़र आ रहा होगा, हाँ ये इधर भी है नीचे एक सामने यहाँ पे, ये है कछुआ, तो है यहाँ पे ऐसा कुछ, ये है पूरा मंदिर। तो देख सकते हो भाई ये है भगवान श्री राम की वो फेमस प्रतिमा, जो कि है यार काफ़ी ज़्यादा फेमस, काफ़ी ऊंचा है भाई, मस्त लग रहा है, देख सकते हो आप।
तो ये रहा दोस्तों हम लोगों का जो है वो भगवान श्री राम के ननिहाल और माता कौशल्या की जन्म स्थली चंदखुरी का जो है मंदिर का सफ़र। और ये जो मंदिर है दोस्तों पूरे विश्व में पूरी दुनिया में केवल एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि भगवान श्री राम की माता कौशल्या जी को समर्पित है, जहाँ हम लोगों को भगवान श्री राम के जो है वो बाल्यावस्था के दर्शन होते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यार मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो बस यार इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।